बच्चों पाठ आठ, दो दिव्यांग विभूतियाँ, कक्षा आठ का है। पाठ का सार सुनो। दीर्घतमा वैदिक ऋचा रचनाकार थे। इनका जन्म आज से लगभग 6700 वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। इनकी माँ ममता जन्म से ही दृष्टिहीन बालक को गोद में लेकर भारी मन से कह रही थी, अंधकार से भरा जीवन तू कैसे बिताएगा। दीर्घतमा गौरववान भव्य और सुंदर शरीर वाले थे। दीर्घतमा ने विद्वता कूट कर भरी हुई थी। वे अपने कार्य स्वयं कर लेते थे। सत्य तो एक है, विद्वान लोग इसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं। इस रचना से प्रभावित होकर विद्वानों ने इन्हें ऋषि पद दे दिया। नाम माँ का नाम ममता होने के कारण ये ममताए भी कहलाते थे। वैदिक काव्य रचना के 3000 वर्षों में हमें महाकवि मान लिया जाता था। ये वेदों के कवि बुलंद भी कहे जाते थे। लुई बेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में पेरिस से कुछ दूर स्थित कुफ्रे नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रेन सिमिन ब्रेल बहुत गरीब थे। वे अपना दैनिक कार्य स्वयं करता। कुफ्रे के एक पादरी ने लुई का परिचय पक्षियों, फूलों की ध्वनि, स्पर्श से पहचान करवाई, कहानियां सुनाई, संगीत सिखाया, सामान्य बच्चों के स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, जहां लुई प्रथम आए। 10 वर्ष की आयु में पेरिस के अंध विद्यालय में 9 वर्षों तक घना अध्ययन किया और अध्यापक बन गए। 1837 में ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। 1892 में इसे सरकारी मान्यता प्राप्त हो गई। 1950 में पेरिस और 1992 में बेरूत में लागू की गई। नेत्रहीनों के लिए लिखा जाने वाला साहित्य ब्रेल साहित्य कहलाता है। लुई को एक मसीहा के रूप में जानते हैं। उनका देहांत 43 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1952 में हुआ। बच्चों अब इसके शब्दार्थ सुनो। ऋचा का अर्थ है परदेश में लिखे वेद मंत्र। तमस का अर्थ है अंधकार। सूक्त का अर्थ है वेद मंत्रों। प्रमाण का अर्थ है सबूत। सामंजस्य का अर्थ है मेल। गहन का अर्थ है गहरा। अंततः का अर्थ है आखिरी में। सुमुख का अर्थ है सामने। साहित्य का अर्थ है लिटरेचर। मसीहा का अर्थ है लौकिक शक्ति संपन्न व्यक्ति। बच्चों अब इसके प्रश्न है, दीर्घ आत्मा कौन थे, उनका नाम दीर्घतमा क्यों रखा गया। लुई द्वारा पुरस्कृत लिपि को क्या कहा जाता है। गा है, लुई को मसीहा क्यों कहा जाता है। गा है, दीर्घतमा ने किन गुणों से समाज में अपना स्थान बनाया। बच्चों ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।